पीड़ित मजदूर गरीब की आवाज है विधायक किसान राम से। आप सभी लोगों किसान राम जी को आप सभी बधाई हो इनके जन्म दिवस की। तब कहा लगता था कि नहीं लौटेंगे। जय हिंद। पुनः आप सभी कृष्णा राम जी को और आप सभी बधाइयों को इनके जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि ये फलोदी और लोहावट को समान समझते हुए आज राजस्थान सरकार में निरंतर फलोदी और लोहावट का संयुक्त रूप से नेतृत्व कर रहे हैं और काम करवा रहे हैं। आपके नीचे ही पधार रहे हैं माननीय विधायक महोदय। क्या हमें गुजर रही है, जवान है ये क्यों शुरू 50 आया, 50 क्यों आया, क्यों सरकार अंडर है ये बड़े कोई के रहने कर दे पहली मेरी जान मुन हुई चुनाव राज्य दो कारण है। वसंत के 55 साल पूरे होने पर आपने मेरे जन्मदिन के अवसर पर एक किसान का बेटा, एक खेती किसान का बेटा जिसने भविष्य में कभी जन्मदिन मनाने का सोचा भी नहीं था, सपना भी नहीं देखा, पहली बार पिछली वर्ष यौन पीड़ा उठाया कोरोना होते हुए भी इसी प्रांगण में आपने रक्तदान शिविर रखा गया, ऐतिहासिक कार्यक्रम रखा। इस बार भी दूसरी बार मेरे जीवन में 54वां और 55वां वर्ष भी मनाया गया, 53 वर्ष कभी कार्यक्रम नहीं मनाया गया। इसका कारण है कि मैं क्षेत्रीय किसान का बेटा हूँ, छोटी सी जमीन के उठा और किसान का बेटा। ठीक कह रहे थे मेरे पूर्ववक्ता, माननीय मुख्यमंत्री जो चली हुई योजना लाई है, लाया है, इस योजना को अपन ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना है। अपन गिनती एक से शुरू करिए, लॉट के अंदर एक से बहुत सफर करना है, बहुत लॉट को आगे ले जाना है। कार्यकर्ता बार बार इस बात पर जोर दे रहे, इसलिए आप सभी लोग पधारे। मिले साहब कह दिए तो भाई 3 करोड़ मारा युवा के वास्ते है, वो युवा के वास्ते मारे जवान तस्वीर में मैं कोई युवा बिना वैक्सीन दी रहा हूँ नहीं दिया, 3 करोड़ मारा बजट युवा ना। मेरे प्रति आपका स्नेह, मेरे प्रति आपका भाव, मेरे प्रति आपका प्यार मैं देख रही हूँ। बहुत तस्वीर है लॉर्ड में तो भी जोरदार संदान की और जोरदार लॉर्ड की सफाई करी। अभी भूत हूँ। मेरे पास शब्द नहीं, आप 36 कौम की जनता की माई बाप हो, जो मेरी हमेशा मैं कहा करता हूँ जनता मेरी माई बाप। मैंने प्रयास किया 2.5 साल के अंदर जातिवाद का मेरे चोले पर थपा दी लगना चाहिए, जातिवाद का कोई माई करना चाहिए, जनता की माई बाप हो जो मेरी हमेशा। गरीब की एक जैसी सुनाई करने का मैंने प्रयास किया, अमीर गरीब एक जैसे, गरीब को पहले अमीर को बाद। आप सब लोगों ने प्यार और स्नेह दिया, आज आपने ऐतिहासिक रक्तदान किया जो 500 से इधर से ज्यादा अभी बता रहे थे इन लोग। वृक्षारोपण का कार्यक्रम करने जो ऐतिहासिक है, आज इस मारवाड़ मरु क्षेत्र के लिए बहुत आवश्यकता है। जिम्मेदारी जब से आपने दी मेरे पर भरोसा विश्वास आपने किया, मैंने हमेशा जैसे मेरा परिवार
मेरे पिताजी जो पसीने खून पसीने की मेले मलवे कपड़े पहन करके खेती हल चलाते थे, खेत में काम करते थे, हमेशा मैंने वो मेरे पिताजी के दिमाग में रखा। मेरे पिताजी ने जो कष्ट देखा जीवन के वो मेरे पिताजी का हमेशा नक्शा दिमाग में रख करके आपकी सेवा करने का मैंने प्रयास किया। आपके आशीर्वाद से एसडीएम कोर्ट भी अपने खुलवा लिया, आपके आशीर्वाद से कॉलेज भी खुलवा लिया। मालाराम जी का भी सपना हुआ करता था कॉलेज का, कॉलेज कॉलेज करने में सोच पूरी हो वो भी पूरा किया। कोर्ट कोर्ट कचहरी जिसने सपना नहीं देखा था कि लॉर्ड में भी कचहरी खुलेगी, वो कचहरी भी आपके पशु शपथ करने में 5-7 दिन में शुरू होने जा रही है। छोटा थाना हुआ करता था डिप्टी बेटे का, डिप्टी हफ्ते भर में डिप्टी, लॉर्ड के अंदर डिप्टी था लोगों का कि नहर का पानी कैसे मिले लॉर्ड विधानसभा क्षेत्र के गांव को। एक छोटा सा कार्यकर्ता हुआ करता था सिकंदर भाई, ठीक कह रहा था फड़ौदी 2014 के अंदर फड़ौदी में जनसभा करे थे अशोक गहलोत जी। मैंने एक एप्लीकेशन दी, मैंने कहा साहब फोकर में भी पानी आ गया, मीठा फड़ौदी में भी पानी आ गया, लॉर्ड के पुराने गांव को भी एक प्रोजेक्ट स्वीकृत करो। मेरी मांग पर, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता था, मेरी मांग पर 63 करोड़ की योजना मंजूर करी, जो आज लॉर्ड कस्बे में मीठा पानी आ रहा। इस बार पूरे मारवाड़ के अंदर, पूरे पश्चिमी राजस्थान के अंदर मैंने पूरा प्रयास किया, रात दिन भाग दौड़ करके 1050 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूर कराया है, जिससे 87 गांव आपके नए से मीठे पानी मिलेंगे आने वाले 7 वर्ष। उसमें चाहे भेड़ अड़ाए पार सेकंड के 87 गांव हो, उसमें चाहे पीड़वा सदरी जम्बे सदागरी योजना के 68 गांव हो, उसमें चाहे मोरिया उचापा सड़के में अपने लॉर्ड विधानसभा के 43 गांव हो, उसमें चाहे नाथलोक पे घुमनपुरा योजना के 13 गांव हो, टोटल यूं करके 87 पंचायतें जुड़ रही है। और जालोड़ा किला एरिया भी ढाणी, तो जालोड़ा पेंशन योजना के 12 पंचायत उसमें आप जुड़ रही है अपने लॉर्ड विधानसभा। मैंने 5 प्रोजेक्ट स्वीकृत कराए, उस पर 1050 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है, सर्वे का काम पूरा हो गया, टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई। पूर्वोक्ता ठीक कह रहे थे कि लॉर्ड की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उस समय हम लोगों ने मांग करी थी कि जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मीठा पानी मिलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री ने 1456 करोड़ की योजना की लॉर्ड के स्टेडियम में घोषणा करी थी, वो काम भी आपका शुरू हो गया। अब जो पीछे जो 113 अपन पंचायत है, 113 में से 87 कितनी होगी आपकी, 13-13 26 करीब पीछे रह रही है। 26 पंचायतों को मीठे पानी का चाहिए, ओडेड यहाँ आए चंद्र सिंह जी देख दिया कि भारत के नंबर हरेक दुनिया में गोड़ू बाबू जी और मरदा कला अपना टैंकी थे दिए तले अधूरा रूपणा जेताना भूलगा विष्णु नगर कई काम लारे उड़ा दे चू समिति गए सोई राम जी झाका से कड़ो उदत बाकी चार समान गुड़ किया वो पड़े मेरे एक एक ध्यान में एक एक टिप्स मत है एक एक टिप्स थर्ड फेस को मतलब है कि पाइपलाइन मदरसा रूपाणी जिला जोधपुर पाइपलाइन जोधपुर के वास्ते सबले भी पाइपलाइन वाला है जबकि आज नहर है ओपन चैनल है इन पानी अपन गांव के वास्ते अपने के वास्ते वाला जबकि आवाज की नहर है अपने वास्ते वाला सुरक्षित छठ फेज को मतलब वो है। इन वास्ते सोयराम जी 7 करोड़ बाद में थारी भी स्कीम अपनावा थेट पर उतरे भी तो पानी पहुंचाना हमारे को प्रयास है। मारवाड़ में 1050 करोड़ को कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट सेक्शन नहीं है, कोई विधानसभा में नहीं वास्ते हमारे फलोदियाला तमाम पदाधिकारी आया, पार्षदगण आया, सलीम भाई उपाध्यक्ष नगर पालिका सब लोग आया, मैं तो आया बैठे बाप मंत्री बढ़ाइए। मैं हमेशा गया करूं हमारे भुवनेश्वर सिंह जी ध्यान है हमारे आदर मैं कुछ सपनों नहीं देखा, जब जनता माते विश्वास करा जनता जीता आगे आशीर्वाद दे आगे अपने बीजेपी माते विश्वास सपना नहीं पाया करा जनता के माध्यम भरोसा जनता के माध्यम सदा जनता को प्यार की तो मेरे भी मत नहीं हमेशा भरोसा इन वास्ते आपने विश्वास और भरोसा दिलावा। अब आप तहसील की बात चली कई पुराना नेता ने बैठा है मंच 1952 के बाद में
सिंचन जी माथुर बजट राजस्थान विधानसभा में पेश करियो ला भेल सिंह जी शेखावत पेश करियो ला ए भमराम जी मार बोर भेस नेता है हरिजय जोशी जी बजट पेश करियो ला अशोक गहलोत जी कई ला बजट पेश करियो 1952 के बाद में एक बजट में मुख्यमंत्री खड़ा कोई घोषणा करे एक विधानसभा में दो तहसील की एक हाथ घोषणा करे मैंने उदाहरण बता दियो और हमेशा को नौकर रहती हूँ मैं हमेशा उदाहरण बता दियो 1952 के एक बजट सत्र में ये दो तहसील की एक विधानसभा में घोषणा की कोई गौर का समय छोड़ा पंचायत बनाने 29 पंचायत बनाए आऊंगे लोगों की लंबी मांग गाइडलाइन में आऊंगी आवे दौड़ विधानसभा का गांव में शामिल करने आऊं पंचायत समिति बनाई मैं जनता वादों पर आना अगस्त में चुनाव भी हो सके कोरोना ईश्वर करे तीसरी लहर नहीं आवे आपनो मौसम खराब को स्वाइजी तोड़े और कोरे ने तोड़े और बाकी था भीड़ बजाए था ना वहाँ भीड़ थरवासी बात हूँ काम करना क्योंकि काम को अनुभव होने हैं मेट फेमिन अकाल रात अबार नरेगा फिर अकाल रात मेट हर बुढ़ा मेट पंचराम जी बिहारी या पंचराम जी और अनुभव सिंह जी पूर्व सरपंच है ढिलन है और मैं हाथ मेट फेमिन मर मेट उसको ले रहा हूँ तब भी तुम अनुभव हो गए मैं राजस्थान विधानसभा में क्यों गांव और गरीब किसान की तकलीफ मैं जितनी जान सका कोई इवास ने फिर भी आप पर परवाह मत करो अशोक गहलोत जी राजस्थान का मुखिया लोक मत बहुत आशीर्वाद बहुत आशीर्वाद ढाई साल को समय पड़े आप सब कराए जा चिंता मत करो मैं रेवड़ी पूरा काम पूरा करा चाहे वो पानी को मामलो है चाहे वो बिजली को मामलो है बार बार मैं बापड़ी क्षेत्र के दौरे मजू हाल भी बापड़ी क्षेत्र में कोई 10,000 घरेलू कनेक्शन नहीं हुआ 10,000 घर फेक कनेक्शन मिले बिना लक्ष्य बनाएगा आने 5-6 महीने में सारा कराने कनेक्शन पूरा 10,000 कराए जाते सारा और कहीं लोग गरीब लोगों की कहीं सुधि नहीं ऐसे ऐसे लोगों की कहीं सुधि नहीं है यहाँ तभी मैं हमेशा ऐसे की ऐसे की हमेशा हमें हर भाषण में कहे चाहे मैं मेरे चुके दौरे माचूं चाहे आऊं के दौरे माचूं चाहे बापड़ी के दौरे माचूं सब जगह मैं मीटिंग में ओपन कह करूं कोई मारवाड़ कोई माई गुलाल कोई एमएलए नहीं गए ऐसे ऐसे के लोगों के हाथ में कोई अत्याचार करने दिन मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा चाहे वो कितने लाट सा दूसरों में हमेशा बात किया करूं मैं एक संकल्प भी हो चाहे लोट है चाहे आऊ है चाहे देखु है तीन दी जमीन सरकारी जमीन में मैं की अतिक्रमण नहीं होंगू वो मेरे सतर्क भी होगा सरकारी जमीन मेरे एमएलए रहते हैं सरकारी जमीन में एक गज कोई अतिक्रमण नहीं कर सके वो मेरे सतर्क अरबी मैं सकल मत खड़ो तो ऊँ चाहे अगलो मेरे को कोई मेरे हाथ रहे चाहे खिला इमारतें चाहे पानी के क्षेत्र में हो चाहे बिजली के क्षेत्र में 220 केवी को जीएसएस नोट में बढ़ाओ 15 जीएसएस 33 केवी का बढ़ा दिना चालू कर दिना नोट बढ़ा सकते 132 केवी को जीएसएस पड़ी के मैं बढ़ावा 132 जीएसएस केवी को जीएसएस दे को आसपास में और सर्वे कर रही थोड़ ज्यादा है इमास्ते बिजली के तंत्र में आज के बिजली के साथ रात और दिन लगड़ा बिजली के सिस्टम में सब जगह मैं पावर बढ़ा देना मेरे एमएलए के पढ़ने के बाद में 500 करोड़ को काम करे मैं पावर बढ़ा ट्रांसफर को पावर बढ़ा सब लोग बैठा किसान बैठा बिजली को सिस्टम में मजबूत करने को प्रयास कोरोना आ गयो माने मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि सभा खाना मत पूरा ध्यान दे रहा होता है कि जनता ने मौके मत सभा खाना की सुविधा लॉर्ड में 5 करोड़ को आलिशान भवन तैयार की तो 5 करोड़ को जमीन पुटू ही नहीं बोला जमीन पुटू ही नहीं बोल दो टेंडर आए मैं तो हरू कर दो हरू करा दी ना भवन खड़ो कर दी ना जमीन और अबार करे 10 दिन फिर आए कई परिस्थितियां ही कई परिस्थितियों का मुकाबला करो आली शान आज तेरे डॉक्टर है लॉर्ड को मैं महिला डॉक्टर अलग है सर्जन अलग आई स्थिति क्षेत्र में भी आई स्थिति आओगी आई स्थिति दे चुकी सब चीजें फैसिलिटी में करी 17 लॉर्ड में पीएससी क्षेत्र में पीएससी और सीएससी है बीलो बहुत बड़ो गांव बड़े सीएससी स्वीकृत रही है पड़ासला में बहुत लंबे टाइम उन लोगों की मांग पीएससी की बड़े स्वीकृत करी सेतान सिंह में कई गांव आ गया बड़े पीएससी स्वीकृत करी छतरी में पीएससी स्वीकृत कराई और भी लोगों की मांग है जगह जगह पीएससी स्वीकृत करने में रात और दिन लग लो आने वाले समय में मैं मांग थारी पूरी करा
और छोटिया सभागार में पार विनती मेरे को दृष्टि नहीं। सड़का के मामले में बार बार जो मैं एमएलए बड़े लोगों की मांग कैसा लॉट मेल दे चुका है, पूरी बुरी हालत है। एसडीओ थे ऑफिस खोला दिनों दे चुके लोग कह के साहब हम तो आई थी कोई दे चुके रस्तों बहुत सड़क बहुत खराब है ई वास्ते दे चुके और दौड़ते डबल स्वीपर सड़क स्वीकृत करी 34 करोड़ की काम चले सही जी था ना देखियो ना और एक कोई दे मारे कलम को लेट ठेको है और कोई यू लेर आगे भी ठेको हो गया है वो भी काम कंटिन्यू चले ला कोई काम आने में 6 महीने में डबल हाईवे था तैयार हो गया ला दौड़ वो लेर दे चुके प्रयास ना लेर आउ तक की लोगों की मांग है सड़क बहुत खराब है बाकी मैं स्कीम बना दी ने माने मुख्यमंत्री जी निवेदन कर देना बाकी मैं लैंड में लगा दी थी आउ लेर कोई सड़क की कमी नहीं रखा। एक एक ने मेरे ध्यान में मेरे टिप्स माते देश में कई सड़क जरूरत है आउ में कई जरूरत है रिमोशन में कई जरूरत है विकम कोर में कई जरूरत है टिप्स माते टिप्स में जो जो मौका पड़ी जो जो ही फिर का अपन करते कोई चिंता मत के चाहे स्कूल या कर्मोन्नत की बात हो पूरे माँ बाप में छोटे स्कूल कर्मोन्नत हो अकेले लॉर्ड में बात छह मोटर स्कूल हो रोगी छोटी सोच छह मोटर स्कूल अकेले लॉर्ड में कोई बार बार नहीं कोई उदाहरण नहीं लेकिन मेरे का रिक्वायरमेंट आप लोग स्कूल आएंगे लंबी लिस्ट है जिन्हें मैं पूरा मैं भरिया था प्रायरिटी में पूरा करने को मारो पूरा प्रयास करूंगा इन वास्ते सपा खाने को फाउंडेशन में जगह पीएससी सब सीएससी में मारो पूरा एक लक्ष्य है कोरोना महामारी है जी है इन अलावा भी पूरे विधानसभा क्षेत्र में सपा खाने में जो एक पैसो दिन लागे दवाई दे हाथ इंजेक्शन लगा ओ मारो पूरा प्रयास है ओ मैं सिस्टम पूरा मतलब पूरा तैयार कर फाउंडेशन ताकि जो का लोग जो की प्रगति की नहीं जाओ कॉलेज भी खोला है इन वास्ते आप सब लोग अपील करनी चाहो सब काम में मेरे कम कोई पांदो तो नहीं है फिर भी मैंने मौके की हाजिर सब काम निष्ठ बढ़ाऊं जिन्हें शांत है गिनती करूं जब आप हम कई पेमेंट बांटा भी है कार्यकर्ता जगह आप लॉर्ड क्षेत्र में काम करे चाहे पशु क्षेत्र में काम करे चाहे कृषि के क्षेत्र में काम करे आने वाले क्षेत्र आने वाले समय में पटवारी की भर्ती भी होने वाले से पटवारी का पद भर पटवारी सर्किल कराए दिन के डेढ़ पटवार सर्किल कराए दिन कड़े शब्द में नहीं हो चुके अभी सर्किल पड़ी है क्षेत्र में भी ना पटवार सर्किल जो भी आ रही सर्किल पड़ा है वो खेसी का ठोड़ काम है आ रही सर्किल आज देख आ रही सर्किल छोड़ दिया मैं पढ़ाई।